नेता पांडुरंग आमले ने सफाई कर्मियों को बांटे वस्त्र उपहार, स्वच्छता में नवी मुंबई को नंबर वन बनाने पर सत्कार। स्वच्छता अभियान में नवी मुंबई को देश में तीसरा और महाराष्ट्र में नंबर वन स्वच्छ शहर का खिताब दिलाने वाले सफाई कर्मियों का शुक्रवार को सानपाड़ा में सम्मान किया गया। सानपाड़ा के युवा नेता पांडुरंग आमले ने इन्हें फ्रंटलाइन योद्धा बताते हुए पुरुष स्वच्छता कर्मियों को वस्त्र एवं महिलाओं को साड़ियां देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे योद्धाओं को प्रोत्साहन देना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वहीं अतिथि के तौर पर मौजूद भाजपा के जिला महामंत्री सतीश निकम ने युवा समाज सेवी पांडुरंग आमले के प्रयासों की सराहना की और साथ ही सफाई कर्मियों के प्रति आदर भी जताया। नवी मुंबई शहर जो है वो भी 25-28 साल हो गए बसे हुए और एक प्रकार से प्लान्ड शहर है, उसके कारण यहाँ का आने वाला नागरिक जो है वो सजग है और एक तरीके से जानकारी रखने वाला है और इसके कारण यहाँ की स्वच्छता ये एक प्राथमिकता रही है और स्वच्छता के कारण ही आज पूरे देश भर में तीसरे क्रमांक पर ये नवी मुंबई शहर रहा है। एक तो सजग नागरिक और स्वच्छता कर्मी, इनके सहभाग से ही ये सारा विषय हो सका, तो एक प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त करना ये एक कर्तव्य धर्म है। आज सानपाड़ा के हमारे पांडुरंग आमले जी, इन्होंने यह कृतज्ञता का कार्यक्रम रखा और स्वच्छता कर्मियों का एक प्रकार से आदर सम्मान यहाँ किया है। मैं निश्चित ही उनका इस विषय में अभिनंदन और आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि जो काम करने वाला है उसको हमेशा उसका मनोबल जो है वो बढ़ाना यह एक प्रकार से कर्तव्य है। तो इस प्रकार का कर्तव्य हर नागरिक ने करना, समाज के हर घटक को साथ में लेके चलना, यही हमारे देश का संस्कार है। तो इस संस्कार को आगे बढ़ाते हुए आज इस प्रकार का ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है और मैं ये आशा करता हूँ कि इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हमारा देश में प्रथम क्रमांक कैसे आए नवी मुंबई का, इस प्रकार के की जिम्मेदारी भी अभी हमारे सब नागरिकों के ऊपर है। तो सभी नागरिकों से आह्वान करूँगा कि महानगर पालिका प्रशासन और उसका नेतृत्व यह इस विषय में निश्चित ही कदम बढ़ा रहा है, लेकिन नागरिकों के सहभाग के सिवाय और कर्मियों के कर्तव्य और कर्म के बिना यह संभव नहीं होगा। तो नागरिकों ने भी आने वाले समय में अपना योगदान देने के लिए इस विषय में अपना हाथ बढ़ाना यह आवश्यक है। नवी मुंबई का पूरे देश में तीसरा नंबर आया हुआ है और महाराष्ट्र में पहला नंबर आया है, तो आज हम लोग ये इनका जो सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे ही पहले भी कहा था कि कोरोना की महामारी के दिनों में इन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं कि उन्होंने रोड पर उतर काम नहीं किया है। सब लोग डर रहे थे, बट हमारे सफाई कामगार बंधु और मोहम्मद भगिनी कभी भी डरे नहीं थे और वो दिन रात मेहनत कर रहे, उसका ये फल है कि आज हम अपना रेट जो है रिकवरी रेट वो सबसे ज़्यादा हो गया है। उसके अलावा कि इन लोगों ने कभी किसी भी फल की आशा नहीं की है। अभी
हमें जो मालूम पड़ा है, जब हम लोग आज सत्कार कर रहे थे उनका, तो मालूम पड़ा है कि इनको अब तक प्रमाण नहीं किया गया है। तो हम लोग आशा करेंगे कि आपको जल्द से जल्द प्रमाण किया जाएगा। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा उसका हम लोग पाठपुरावा नवी मुंबई महानगर पालिका से ज़रूर करेंगे, और हम लोग आशा करेंगे कि आप बहुत जल्द से जल्द परमंड हो जाए। स्वच्छता ज़्यादा है, डिसिप्लिन है, ऊपर से हमारी जो नवी मुंबई महानगर में जो सुविधा ही दी हुए है गवर्नमेंट से, जो भी हमें बेड्स अवेलेबल कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा है। हमारे पास लैब की टेस्ट हमारे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। ऊपर से हम लोग सारे सोसाइटी में, हमारे जितने भी सोसाइटी कमेटी के मेंबर्स है वो सब डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। हम लोग जितना भी हो सके हमारे तरफ से हम लोग आर्सेनिक एल्बम की गोलियां हम लोग दे रहे हैं, सैनिटाइजर स्टैंड हमने दिए हुए हैं। जो आरोग्य के तरफ से जितना भी करना है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा कोरोना जितना भी नवी मुंबई में कम से कम हो जाए, यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जितने भी हमारे साथी है हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ये जन जागृति हम लोग करें कि इससे कैसे बचे और हम लोग कितना कर हो सके उतना कम करें, तो यही हमारा कोशिश आगे भी रहेगा। स्वच्छता में पहला रंग लाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, जो भी हमारे सोसाइटी के बाहर जितना भी कचरा है, जो भी झाड़ वाड़ गिर रहे हैं बारिश के कारण, वो तुरंत हम लोग वार्ड ऑफिसर को बोल के हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे ही हमारे अभी ये बांधव हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको भी पता है हमारे वार्ड में गंदगी दिखी तो वो भागते दौड़ते आएंगे, और यही हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द सब कचरा या गंदगी जितनी है वो साफ कर सके। इस अवसर पर सम्मान पाने के बाद भावुक हुई महिला सफाई कर्मियों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की, और युवा समाज से भी पांडुरंग आमले का आभार जताया जिन्होंने उपहार देकर उनका हौसला बढ़ाया है। कामगारांच्या वतीने आमले सरांचा सर्वप्रथम धन्यवाद की त्यांनी आम्हाला कौतुक केलं आमचं, आणि आमचे जे काही प्रॉब्लेम आहेत सरांनी ते पुढे मान्य करावेत किंवा पुढे पास करावेत ही त्यांना आमची विनंती। आमचा आज व्यक्त आभार केलेला आहे आपल्या आमले आमले साहेबांनी, याच्यावर मी भी यांचा आभार व्यक्त करतो, ह्याच्या पुढे भी आमचा असंच आभार सत्कार करावा हीच माझी इच्छा आहे। आजच्या नागरे अमोल साहेब आपल्याला फुलांचं नाही फुलाचा पाकर दिला, अभिनंदन अमोल साहेबाला। ब्युरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।